सो फ्रेंड्स, आने वाले इस वीक के लिए मैंने हम लोगों की टीम ने पूरी कुछ स्टॉक्स आप लोग के लिए निकाले हैं जिसमें कि आप अच्छे ट्रेड्स पा सकेंगे। जिसमें से फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, जो कि हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं 70-74 रुपीज़ के आसपास खरीदने के लिए, और इस के लिए टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 79 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा 83 का और तीसरा टारगेट 88 का। अगर आप इसमें अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं 5-10 दिनों के लिए तो आप लोग के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 65 का। और इसी के अलावा आप के लिए जो सेकेंड हमने आपको स्टॉक निकाला है वो है जेके सीमेंट, और जेके सीमेंट आप सभी जानते हैं कि काफ़ी अच्छी कंपनी रही है, और अगर आप इसमें अपनी पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहते हैं 5-7 दिनों के लिए तो आपको ये 970 से लेके 950 के लेवल्स के बीच में आपको इसको खरीदना होगा। इसके लिए जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 930 रुपये का, और अपर साइड में हम जो देख रहे हैं इसके आने वाले टारगेट्स उसमें हमें मिल रहे हैं 1005, 1060 और 1100। तो आप जेके सीमेंट खरीदे विद द टारगेट ऑफ 1005 एंड 1060 एंड 1100। और इसके अलावा जो आप रेट आपके निकाला है वो है अडानी पावर। अडानी पावर आप सभी जानते हैं कि काफ़ी अच्छी कंपनी रही है और काफ़ी सालों से इसमें हम ट्रेड आपको देख बताते आ रहे हैं। तो अगर आपको इसके पोजीशन ट्रेड बनाना हो तो हम आपको स्ट्रेटजी आपको बताना चाहेंगे कि 29 रुपीज़ से लेके 30 रुपये के बीच में आपको इसको खरीदना है, मतलब 29 और 30 रुपये के बीच में खरीदना है। फिक्स्ड स्टॉप लॉस ऑफ 26.5, और इस 26.5 स्टॉप लॉस के साथ में आपको एक ट्रेड लेना है विद अ टारगेट ऑफ 32, 34 एंड 38। तो अगर आप इसमें अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं 30 रुपये और 29 रुपये के बीच में तो आपके लिए टारगेट इसलिए 38 रुपीज़ का यहाँ से दिख पा रहा है। और इसके अलावा अगर ये 5-7 दिन के लिए नहीं ट्रेड कर पाता है तो आने वाले समय में आपको 10-15 दिन के अंदर ये लेवरेज आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो चौथा हमने स्टॉक निकाला है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के लिए आपको जो पोजीशन बनानी है वो 70-72 रुपये के बीच में पोजीशन बनानी है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 67 रुपीज़। 67 रुपीज़ अगर ये तोड़ता है तो आपको स्टॉक से निकल जाना है, क्योंकि हम नहीं जानते अभी कि मार्केट की सिचुएशन कैसी हो सकती है, और ऑटो सेक्टर है वैसे ही काफ़ी समय से नहीं चला था और अब जाके कुछ ग्रोथ मिली है। सो वी आर कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 67 रुपीज़। इसमें आप अपर साइड में जो हमें टारगेट्स दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 78 से लेके 82 तक के लेवल्स के। तो आप इस पोजीशन को लीजिए 7-10 दिनों के हिसाब से विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 67 रुपीज़। इसके अलावा जो हमने आपको फिफ्थ जो आपके लिए स्टॉक निकाला है विच इज़ LTTS, जो कि L&T टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड है। LTTS के लिए आप सभी लोग को पोजीशन बनानी है 7-17 दिनों के हिसाब से, और जो आपको पोजीशन बनाएंगे वो बनाएंगे 1165 और 1135 रुपये के बीच में विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1110। और अपर साइड में हम इसके देखेंगे टारगेट्स जो आते हुए हमें दिख रहे हैं उसमें हमें दिख रहा है 1200, 1230 और 1275। तो अगर आप इसमें अपना पोजीशन बनाते हैं अगले 7-10 दिनों के हिसाब से तो आपके लिए ऊपर के जो लेवल जा रहे हैं 1200, 1230 और 1275। अगर आप इसमें कोई भी अपनी पोजीशन बनाते हैं तो आपको इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 1110 रुपये का है। थैंक यू।